सफाई, यहाँ पर सामान बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अभी जहाँ पर जाओ साथ में ही रखो, अपने से दूर बिल्कुल मत रखो। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ अभी पेरिस में स्टेशन पे, क्योंकि हम जा रहे हैं आज पेरिस से नीस, विच इज अनदर बिगेस्ट सिटी इन फ्रांस। तो आप देख रहे हो मेरे एपिसोड सारे पेरिस के, और आज मेरी जर्नी शुरू होगी वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है, क्योंकि मैं जा रही हूँ ट्रेन में यहाँ से ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर साउथ में फ्रांस में। लास्ट जो सिटी है वो है नीस। मैंने सोचा थोड़ा बीच वाला वाइब भी ले लेते हैं, क्योंकि पेरिस वो सुपर कोल्ड, अभी भी यहाँ पर बहुत ठंडी है, बट नीस में जो वेदर है वो काफ़ी बेहतरीन है। अभी 21 डिग्री है वहाँ पर, यहाँ पर 3 से 4 डिग्री, स्प्रिंग चल रहा है और ठंड भी है। जो ट्रेन है वो है बुलेट ट्रेन, ऑलमोस्ट आई मीन वैसे तो अलग होता है सिंगापुर में। हाय, हाउ आर यू? हु आर यू? आई एम अ यूट्यूबर। ओके, ऑसम। फ्रॉम इंडिया। ऑसम। हाय। एक्सीलेंट। हाय। वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम पेरिस, मार्सेई। ओह ओके। साउथ फ्रांस। वेयर आर यू गोइंग? फॉर माय फादर। ओके, आई एम गोइंग टू नीस। Oh, I'm going to Marseille. Oh, okay. Yes. Nice. Nice, yes. To meet you. Nice to meet you. Have a great day. What's your name? Arya. Arya. And yes. What's your channel name is Arya Vora. Can I? I can show you. Hi, oh. I'm in Paris and it's so fun. This is my channel. You can take a picture. Okay. So she is a girl. Just met me over here on the station. यहाँ पर ना लोग बहुत मस्त होते हैं। Can I take a picture with you? Oh yeah, sure. Thank you. So मैं बता रही थी आपको कि अभी मैं हूँ गारे दे लियोन द स्टेशन। तो यहाँ से सारी ट्रेन जो जाती हैं वो जाती है अपने नीस और उससे आगे स्पेन एंड ऑल। अगर आपको ऊपर की तरफ जाना है तो गारे दे नॉर्ड NORD वो स्टेशन का नाम है जहाँ से बाकी की ट्रेन चलती हैं। तो ये 1000 किलोमीटर की जर्नी हम पूरी करने वाले हैं सिर्फ 5 घंटे 50 मिनट में, एंड इट्स काइंड ऑफ बुलेट ट्रेन। में बोल रही थी वो मैडम आ गए तो मैं भूल गई, इट वॉज नॉट सिंगापुर, इट वॉज स्विट्जरलैंड जहाँ पर बुलेट ट्रेन चलती हैं। यहाँ पर बुलेट ट्रेन तो नहीं है, बट सोचो आप 1000 किलोमीटर की जर्नी अगर आपकी ख़त्म करते हैं हम लोग 5 घंटा 50 मिनट में, इसका मतलब तो काइंड ऑफ ऐसा ही हुआ था। फास्ट ट्रेन होती हैं। सो ट्रेन का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है 7:15 मॉर्निंग की ट्रेन है 7:15 और अभी हुआ है 6:45। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। क्या होता है कि जब आप ट्रेन में होते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा जोर से बोल नहीं सकते। फ्रांस पीपल आर वेरी पोलाइट, बच्चे आवाज़ करते हैं बट आप नहीं बोल सकते, कोई भी आपको टोक देगा। सो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से नी, ऑन द वे हूँ। ये ट्रेन थोड़ा छोटा है, मैंने यूक्रेन में देखा था ट्रेन वो काफ़ी बड़ा था, बट आई थिंक यहाँ कैंटीन ऐसा कुछ है नहीं। स्टिल लेट मी इंक्वायर हाउ जाता है। एक्स एंड प्रोवेंस, ये एक आई थिंक टाउन है, शहर है, एंड अभी गाड़ी यहाँ पे रुकी है 10 मिनट के लिए। सो मैं ये बोल रही थी कि यहाँ फ्रांस में ऐसा होता है कि यू कांट बी लाउड व्हेन यू आर इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बहुत स्लो बात करनी पड़ती हैं और लिटरली आपको बोल देंगे सामने वाला टोक देगा। सो बी केयरफुल जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो। तो लोग अपने अपने स्टेशन पे उतर रहे हैं, देन अभी ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी विद इन 5 मिनट। प्लानिंग की कुछ स्नैक्स खाऊं मैं, यहाँ पर कैंटीन नहीं है एज आई सेड। यूक्रेन में जो ट्रेन में मैंने जर्नी किया था वहाँ पर था, बहुत ट्रेन में होता है, बहुत सारे ट्रेन में नहीं होता है। तो मेरे पास प्रोटीन बार्स है जो मैं लेके आई हूँ। मैंने इतना ब्यूटीफुल नज़ारा देखा सडनली, ब्लू वाटर, कैन यू सी? मैंने रीसेंट अभी जो लोकेशन होता है वो चेक किया तो उसमें ये एक टाउन है फ्रांस का, आई डोंट नो हाउ दे प्रोनाउंस फियोलेस सुरमेर मे बी, प्रोनाउंसिएशंस आर सो डिफिकल्ट, बट या दिस इज द टाउन, इट्स सो ब्यूटीफुल। हाफ एन आवर बिफोर है ये नीस से द प्लेस। ये ब्लू वाटर जो दिखाई दिया टाउन, वो रस्ते में आया नीस से 30 मिनट्स बिफोर, थियोली सुरमेर, थियोली सुरमेर, दैट्स द प्रोनाउंसिएशन आई एम श्योर। एंड दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी कैनन। आपको पता ही होगा इतने फैशन शोज जो होते हैं दुनिया भर के, कैन जो फेस्टिवल होता है ये भी इधर ही होता है। वो जो था एकदम ब्लू वाटर वाला जो प्लेस थियोली सुरमेर, थियोली सुरमेर, दैट्स अ कॉमन, एक्चुअली यहाँ जो छोटे छोटे विलेज टाउन होते हैं उसको कॉम्यून बोलते हैं, टाउन या विलेज नहीं लिखा होता है जब आप गूगल में सर्च करते हो तो। और आई थिंक ये कैन से तो बाय रोड होगा, तो कैन इज अ स्टेशन, क्योंकि उसके पहले मैंने 10 मिनट पहले ही देखा वहाँ पर स्टेशन नहीं था, बट यू डेफिनेटली कैन गो बाय रोड, गाड़ी से रोड ट्रिप कर सकते हैं।
आई एम श्योर इट्स ब्यूटीफुल, लाइक क्या व्यू था पूरा, इतने शिप थे, काफ़ी अच्छा जगह है विजिट करने के लिए. सो ऑलमोस्ट आई एम योर, हाफ एन आवर मोर लेफ्ट मैं पहुँच जाऊँगी. आई स्वेयर मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये धूप में. पिछले 4-5 दिन से इतना क्लाउडी एंड ठंडा था पैरिस. सो फाइनली मैं साउथ साइड आ चुकी हूँ, नीस में पहुँच चुकी हूँ. आई एम रियली एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द सिटी. सबसे पहले मैं करूँगी चेक इन, करूँगी रेस्ट, क्योंकि आज सुबह से 5 बजे से उठी हूँ मैं, और बाद में कहीं जाएगी. कल का दिन बहुत अच्छा रहा, ट्रैवल करके मैं यहाँ पहुँची हूँ नीस, और अभी मैं जहाँ पर हूँ दैट इज़ द हॉस्टल. हॉस्टल में जो एक पैटर्न होता है कि यू कैन शेयर, जो मैंने आपको दिखाया है डोम्स, वहाँ पर आप शेयरिंग में भी रह सकते हो. जो प्राइवेट रूम दिखाया दैट इज़ माई रूम. सो मैं यहाँ प्राइवेट रूम में रह रही हूँ जो मैंने आपको दिखाया, एंड द बिहाइंड मी. सो दिस इज़ माई रूम, एंड ये होता है एक कॉमन किचन से. यहाँ पर मॉर्निंग में लोग बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, और यू कैन मेक योर कॉफी ओवर हियर, सारे क्रॉकरीज एंड ऑल यहाँ पर होता है, और यहाँ से व्यू भी बेहतरीन है. सो नाइस प्लेस टू स्टे ऑलमोस्ट. अगर डोम में आप शेयरिंग में रहते तो पर हेड आपको कुछ 2,500 से 3,000 रुपया चार्जेस लगेगा, और अगर आप प्राइवेट रूम में रहते हो दो लोग तो प्राइवेट रूम का जो चार्जेस है वो 5,000 to 6,000 rupees है. स्टिल अगर आप दो लोग हो तो डेफिनेटली यू कैन चूज़ दैट प्राइवेट रूम वाला ऑप्शन, तो दोनों जन आप शेयर कर सकते हो. मैं अकेली हूँ तो मैं वहाँ पर रह रही हूँ. इट वॉज़ ब्यूटिफुल मॉर्निंग, मज़ा आ गया. और अभी हम जाते हैं नीस में एक बहुत प्यारी सी जगह, लेट्स गो. बंगलों के अंदर इन्होंने एक हॉस्टल बनाया है जिसका नाम है ला माइयो, ठीक है. उसका मैं यहाँ पर आपको लिंक नीचे ड्रॉप बॉक्स में पोस्ट कर रही हूँ. हाई हाउ आर यू? सो इन लोगों के साथ मैं रात को डिनर पे गई थी. एंड कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah, hello, I'm Lillian. Nil, how you pronounce the name? Lillian. Lillian? Yep. Okay, and she is from USA, but she lives somewhere in, right now where you live? Right now I'm staying here in the hostel, I mean, yeah, Nice. She's here just to explore and he's from London. Hi. Hi, I'm Dan, yeah. सो जस्ट इज़ अ नाइस डे, क्योंकि जब मैं पेरिस में थी काफ़ी वहाँ पर ठंड थी, और यहाँ पर देखो धूप है तो लोग भी मस्त इंजॉय कर रहे हैं. सो दिस इज़ द हॉस्टल जहाँ पर मैं रह रही हूँ, और अभी यहाँ से हम जा रहे हैं फ्लावर मार्केट. इट्स ब्यूटीफुल, संडे को स्पेशल वो बहुत प्यारा लगता है. सो 12 बजे बंद हो जाता है, अभी आधा घंटा है मेरे पास. सो लेट्स मूव. सी अभी बेहतरीन वेदर है, मस्त सनी, मज़ा आ रहा है वॉक में भी. तो मैं भी है ना टूवर्ड्स जा रही हूँ फ्लावर मार्केट, जो 500 मीटर की दूरी पर है ये हॉस्टल से. लाम आई हूँ. मैंने एक चीज़ देखी है फ्रांस में, लोगों में इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा सिस्टम है. आई मीन यहाँ पर यू कान बी लाउड नॉट एट ऑल, लाइक लोग आपको तुरंत इग्नोर कर देंगे, इंसल्ट कर देंगे. इतना पीस उनको चाहिए होता है इवन व्हेन यू आर इन हॉस्टल. अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, ऐसा कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर रात को 10-11 बजे के बाद आवाज़ करना मना है. यू हैव टू फॉलो सम रूल्स व्हेन यू आर इन हॉस्टल, आई मीन, बट बजट स्टे If you are looking for and you are alone even, और साथ में कोई आपके दोस्त हैं तो उनके लिए मुझे लगता है कि हॉस्टल बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि इन दैट वे यू आर सेविंग योर मनी. यूरोप इज़ वेरी कॉस्टली, यहाँ पर आप जितना खर्चा करो कम है, तो मुझे लगता है कि स्टे में अगर कम ही खर्चा करो, अगर लग्जरी स्टे करना है देयर आर लॉट ऑफ होटल्स दैट तो आपको मिल जाएंगे सारे. गूगल में आप जब चेक करोगे तो बहुत सारे होटल्स मिल जाते हैं, बट उसके रेट जो होते हैं पर डे के 15,000-20,000-10,000 बहुत ज़्यादा होता है. इफ़ यू आर स्टेइंग सम यू नो फॉर सम मोर डेज आई मीन, तो फिर आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा जो मुझे लगता है. गूगल में जब टाइप कर दोगे समझ में आ जाएगा. फ्लावर मार्केट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जहाँ पर मेन सिटी है जहाँ हॉस्टल में रहती हूँ. हैपनिंग इट्स संडे, तो संडे को ज़्यादा ही हैपनिंग रहता है. मंडे को हॉलीडे रहता है, मंडे को मार्केट नहीं लगता है, बट मस्ट विजिट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, नाइस, सब्जी, फ्लावर्स, एवरीथिंग. और मेन तो यहाँ पर आपको लोकल लोग इतने देखने को मिलेंगे, और अलग अलग कंट्री से भी, तो मज़ा आता है ना जो हम यहाँ पर हैं. यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी मिल रही हैं, छोटी मोटी नॉन वेजिटेरियन. मुझे ना एक बात बहुत अच्छी लगती है अब्रॉड में और यूरोप में, तो मैंने ज़्यादा ही नोट किया है कि डॉग्स हमेशा हर पब्लिक प्लेस पे अलाउ होते हैं. हाउ क्यूट इट इज़, आई मीन इतने स्मॉल स्मॉल क्यूट से डॉग्स को लेके लोग आते हैं, इवन इन ट्रेन. मैंने एयरपोर्ट्स पे भी देखा है, ट्रेन स्टेशन पे भी देखा है. सो दिस इज़ फ्लावर एंड सब्जी मार्केट. लोकल ज़्यादा आते होंगे शायद यहाँ पर. ओह नाइस प्लेस, सी सो हैपनिंग. सो लेट्स एक्सप्लोर लिटिल बिट. देखो वैसे प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, बट कौर साले फ्लावर मार्केट. तो ये जो जगह है मेन हब में है, वॉकिंग पे भी आप आराम से आ सकते हो. एंड स्पेशली यहाँ पे लोकल्स वीकेंड्स में बहुत विजिट करता है, सो इन दैट वे यू एबल टू सी लॉट ऑफ लोकल पीपल ओवर हियर. और ऐसा नहीं सिर्फ फ्लावर है, फ्लावर मार्केट बोलते हैं, बट लॉट ऑफ वेजिटेबल एंड सो मेनी मोर थिंग्स, हनी एंड ऑल्सो. मुझे लगता है इफ़ यू कंपेयर इन शॉप्स, वहाँ से ये बहुत सस्ता भी मिलता है. तो अगर आपको कुछ भी लोकल चीज़ें खरीदनी है देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट इन नीस, जहाँ पर ये मार्केट है. एंड नॉट ओनली मार्केट, वहाँ पर काफ़ी सारे कैफेज़ हैं एंड इटालियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, व्हेन यू कैन सिट एंड हैव फूड एंड लॉट ऑफ बेकरीज थिंग्स. मुझे ना यहाँ के सोप, ये मैंने कल भी देखा था,
ये वाले सोप ये डोंकी के मिल्क से बनता है ऐसा उन्होंने बताया, वेरी कॉस्टली। ये ना 2 यूरो का, ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ का इतना छोटा सा, और बड़ा जो सोप होता है वो ज़्यादा आता है। बट यहाँ पर मैंने देखा उसकी प्राइस कंपेयर टू शॉप सस्ती भी है, बट नाइस प्लेस, आई कैन सी लॉट ऑफ कैफेज़ ओवर हियर, सो आई थिंक आई शुड सिट समवेयर टू हैव कॉफ़ी। सो ये फ्लावर मार्केट से जो एग्जिट करते हो वो डायरेक्टली जाता है बीच। यस, नीस इज़ फेमस फॉर ब्लू वाटर बीच एंड ऑल। तो क्या करते हैं लोग आते हैं यहाँ पर मार्केट में शॉपिंग करते हैं एंड देन दे गो टू द बीच। मैंने देखा कैसे लोग आराम से, यानी पीसफुल, उन लोगों को शांति पसंद है, कैफेज में बाहर बैठते हैं खाते हैं आराम से। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू सिट समवेयर, बट लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल दूर से बीच दिखाती हूँ आपको। बीच फेसिंग कैफे भी है एंड सी सामने ब्लू वाटर, बाप रे ये कितना ब्लू, सीरियसली दूर से तो क्या लग रहा है। यहाँ पर ऐसे बीच भी होंगे जहाँ पर नीचे जा सकते हो, हम ज़रूर इंक्वायरी करेंगे और वहाँ पर भी जाएंगे, फिलहाल दूर से देखते हैं, लेट्स गो। ये सामने बढ़िया प्लेस मुझे दिखाई दे रही, ऊपर टोपाज़ है, ऊपर बैठ के जो लोग बैठे हैं ना, अरे वाह बढ़िया यार, मज़ा आ गया, यानी ये जगह देख के मुझे सच में। मदर इंडिया, ये मुझे ओल्ड टाउन में दिख गया, इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है अंदर से भी, सो यू हैव अ चॉइस। इंडियंस आपको, चलो एटलीस्ट भूखा नहीं रहना पड़ेगा, ब्रेड्स खा के नहीं रहना पड़ेगा, आई मीन इंडियन रेस्टोरेंट भी यहाँ पर है नीस में, अभी तक मैंने एक भी देखा नहीं था, ये पहला है जो मैंने देखा, बट आई एम हैप्पी टू सी। सो ओल्ड टाउन इज़ नॉट ओनली अबाउट कि यहाँ पर टूरिस्ट ही आता है, स्पेशली मैं आपको ये बताऊँगी कि यहाँ पर ह्यूज रेजिडेंशियल एरिया है, लोग लिटरली रहते हैं यहाँ पर, और इसलिए क्योंकि एक तो सेंटर है ये मेन सिटी का, और हर चीज़ें हैं कैफे से लेके, देर आर बुटीक्स, देर आर शॉपिंग सेंटर्स, चर्च है यहाँ पर, इतना प्यारा सा चर्च है पूरा अंदर से, और आई कैन सी वन मोर ब्यूटीफुल कलरफुल इंडियन रेस्टोरेंट। आई एम रियली अमेज्ड, मुझे नहीं पता था, पेरिस में मैंने एक दो देखे थे बट आई डिडंट नो कि यहाँ पर भी होंगे, बट या इट्स गुड। ओल्ड टाउन में देर आर कपल ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पर आप आराम से इंडियन फूड खा सकते हो, सो यू आर आई कैन सी वन मोर इंडियन। हाय, वेयर आर यू गाइस फ्रॉम? फ्रॉम योर फ्रेंड्स। Oh, friends. French only. Hi, guys. Hi. Hi, guys. So, they are having Indian food. Can you imagine? ये लोग इंडियन खाना खा रहे हैं. Yeah. तो मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ तो इंडियन देख लेते हैं, नहीं तो पार्सल करा लेते हैं. I'm from India. Oh, India. Okay. Yeah. All right. Bangalore. Where from? Mumbai. Oh, Mumbai. Yes. Yeah. Allahabad. You been there? Yeah, yeah, yeah. ये हैं Indian restaurant here, Indian lounge. See? ओल्ड टाउन में सब कुछ है यहाँ पे, वेज नॉन वेज, दाल राइस, थाली भी है, आई कैन सी मेन्यू, हिमालयन पता नहीं बिरयानी, आई कैन सी नाइस, तो सब कुछ मिल गया अपने को यहाँ पर। तो मैंने सोचा है कि मैं अभी फ़िलहाल आफ्टरनून में यहाँ बैठती हूँ, आराम से चिल आउट करती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, और उसके बाद इवनिंग में कैन गो टू द बीच साइड, या तो फिर कल। वैसे और भी बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए, ऑल द वे नीस इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी। सो देखा आपने आज का ब्लॉग चालू किया था मैंने पेरिस से, फ्रांस में पेरिस से आ गई मैं नीस, ट्रेन में कैसे आई, कैसे टिकट्स लेनी, कहाँ से लेनी, क्या चार्जेस है, फिर आके मैं कहाँ रुकी, बजट स्टे क्या है, एंड द मेन थिंग हॉस्टल में रहने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते हो और यू कैन टॉक ऑल्सो विद देम, सो दैट्स हाउ पीपल लिव स्टेइंग इन हॉस्टल। मज़ा आ गया है मुझे तो, बहुत अच्छा लग रहा है, सो आई एम एंजॉइंग माई कॉफ़ी एंड यू गाइज हैव अ ग्रेट नाइट, आई विल सी यू सून नेक्स्ट एपिसोड में। अरे हाँ, आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट एपिसोड का आपको नोटिफिकेशन आए, बीच पर मिलेंगे, तब तक अलविदा, बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।